नजर की तीन किस्में हैं, इसे जहन में रखकर यहां से उठो इंशाल्लाह ताला। पहली जो नजर लगती है हासिदीन की लगती है, अल्लाह हमें हासिद की नजर से बचाए जी, हासिद की नजर से अल्लाह बचाए। दूसरी किस्म अपने आप की, मां बाप की और अच्छे लोगों की लगती है, अल्लाहु अकबर। अपने आप की नजर खुद को लगती है, याद रखो हमेशा। अभी जो दो सहाबी का मैंने तस्किरा किया, मैं और आप उनके पैर की धूल भी नहीं है, मैं और आप उनके पैरों की धूल भी नहीं है, सहल बिन हुनैफ और आमिर बिन रबिया, ये एक सहाबी की नजर दूसरे सहाबी को लगी है, अल्लाहु अकबर। नेक आदमी की भी नजर लग सकती है, खुद आपको अपने आप की नजर लग सकती है, अल्लाह क्या करें तब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी अगर ऐसा लगे आपको आज मैं अच्छा दिख रहा हूं, आईने के सामने आप लगता है इंसान को कभी कभी ऐसा मौका आता है कि लगता है कि हां मैं जरा अच्छा हूं, अगर ऐसा महसूस होने लगे अपने आप की नजर नहीं लगने के लिए, सुभान अल्लाह, आईने के सामने जब आप खड़े हो जाएं, आईना देखकर जो दुआ है वो पढ़ लीजिएगा, अल्लाहुम्मा अंत हसन तखल्की फहसन खुल्की। क्या दुआ है, अल्लाहु अकबर, क्या दुआ है ये। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह ताला, मेरा कोई कमाल नहीं, ये रंग मेरा नहीं है, ये बाल मेरे नहीं हैं, ये कपड़े मेरे नहीं हैं, मेरी क्या हैसियत अल्लाह, अल्लाहुम्मा अंत हसन तखल्की, अल्लाह तूने मुझे अच्छा बनाया है। क्या लफ्ज़ है, मेरी तकलीफ को तूने अच्छा बनाया है, ये शक्लो सूरत तूने अता की है, ये नाक नक्शा तूने मुझे दिया है, अंत हसन तखल्की फहसन खुल्की, अल्लाह मेरा कैरेक्टर भी अच्छा बना दे, अल्लाह मेरे अखलाक भी अच्छे बना दे। ये दुआएं मांगने से अपने आप को नजर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह ताला। ला हौला वला कुव्वता पढ़ते रहो हमेशा, ला हौला वला कुव्वता, मेरा कुछ नहीं, पूरी ताकत कुव्वत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, अपनी नजर से। और वालिदैन के लिए भी मैं कहूंगा, वालिद की नजर भी लग सकती है, मां की भी नजर लग सकती है। मिंबर रसूल से बोल रहा हूं, ऐसा हांग के उठ के नहीं जा रहा हूं, जी हां सबकी, इसे बोलते हैं अल आइन मुअजबा, अरबी जबान में किसी की भी लग सकती है, इसलिए दुआओं का जिक्र करें ये नहीं लगेगी। तीसरी किस्म उलमा बयान करते हैं अल आइन कातिला, ऐसी नजर आदमी कत्ल भी हो सकता है। अल्लाह से मैं पनाह मांगता हूं, अल्लाह ऐसी नजरों से बचाए, अल्लाह ताला जो तरीके, जो मसनून तरीके नबी ने हमें दिए हैं, अल्लाह उस पर हमें अमल करके जिंदगी और आखिरत को अल्लाह बेहतर बनाने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी जबानों पर ये प्यारे प्यारे जो अल्फाज हैं जिससे नजर नहीं लगती है, अल्लाह वो अल्फाज हमें बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी के अंदर अल्लाह उन अल्फाज को आम फरमा दे। अल्लाह मेरे हर मुसलमान भाई के घर में खैर व बरकत अता फरमाए, अल्लाह मेरे हर मुसलमान भाई की तिजारत में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए, अल्लाह हर मुसलमान के जोड़े में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान भाई को अगर नजर लगी है, मैं इस मिंबर रसूल से दुआ करता हूं अल्लाह उसे नजर बस से नजात अता फरमाए, अल्लाह उसे नजर बस से नजात अता फरमाए, अल्लाह उसके अकीदों की इसलाह फरमाए, अल्लाह उसके अमल की इसलाह फरमाए। अल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर बीमार हैं सबके लिए दुआ कर रहा हूं, अलग से आपको चीटी लेकर अलग से करने की जरूरत नहीं, मैं मिंबर से दुआ कर रहा हूं जितने भी भाई बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए आजिला कामिल अता फरमाए। खासकर इस मस्जिद में जुमा दे रहा हूं इसलिए इस मस्जिद का अगर कोई मुसल्ली बीमार है, मुसल्लिया बीमार है, बच्चा बच्ची बीमार है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह उसे शिफाए आजिला कामिल अता फरमाए। बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी है शिर्क की बीमारी, अल्लाह से मैं दुआ गो हूं अल्लाह हर मुसलमान को शिर्क की बीमारी से बचाए, अल्लाह हर मुसलमान को बिदात की बीमारी से बचाए, अल्लाह हर मुसलमान को दौलत अता फरमाए और वो भी तौहीद की दौलत अता फरमाए, अल्लाह हर मुसलमान को दौलत ईमान अता फरमाए, अल्लाह हर मुसलमान को इत्तिबाए सुन्नत की दौलत अता फरमाए, अल्लाह ऐसे अमल की तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी हो, वो नबी के तरीके पर हो, उसमें इखलास भी शामिल हो। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबी करीम, बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान मजीद व नफअना व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम ورب حليم।